दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर धन धान्य सुख संपदा तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर मनुष्य जीवन को सुख पूर्वक भोग कर आखिर में 84 लाख योनियों से मुक्त होकर शिव के परम लोक को प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में माँ सती को देवी आदि शक्ति माँ पार्वती का रूप माना गया है। पृथ्वी पर आज भी यह 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं, जिनकी स्थापना स्वयं महादेव शिव ने खुद अपने हाथों से किया है, जो कि बेहद ही पवित्र और चमत्कारी स्थल हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ तो दूसरे देशों में भी स्थित हैं, जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा थे। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ स्थित हैं। आइए हम आपको इस वीडियो में इन 51 शक्तिपीठों की संपूर्ण कहानी और साक्षात दर्शन कराते हैं। अगर आप महादेव शिव और माँ आदि शक्ति के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना, अन्यथा आपके इष्ट महादेव शिव और माँ शक्ति का अनादर होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये 51 शक्तिपीठ कैसे और क्यों बने, और साथ ही एक एक करके आपको इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी करवाएंगे। दोस्तों, इन 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा ने स्वयं पुत्री के रूप में जन्म लिया था और अपने पिता दक्ष के ना चाहते हुए भी महादेव शिव से विवाह किया था। एक बार माता सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, इंद्रदेव और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता महादेव शिव और पुत्री सती को उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से माँ सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसे जानकर माता सती क्रोधित हो उठी। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ पर जाने के लिए पुत्री को किसी बुलावे की आवश्यकता नहीं होती देवी सती। इसके बाद जब माता सती अपने पिता के घर जाने लगी, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि वे वहां पर ना जाएं, क्योंकि बिन बुलावे मेहमान का मान से ज्यादा अपमान होता है वहां पर जाने पर। लेकिन माँ सती नहीं मानी। भगवान शिव के रोकने पर जिद करके माता सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गयी। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर प्रजापति दक्ष भगवान शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। माता सती भगवान शिव का ऐसा घोर अपमान सहन नहीं कर पाई। इस अपमान से पीड़ित माता सती ने उस यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण की ही आहुति दे दी। भगवान शिव को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। नियति से पूर्व ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और अन्य सभी देवी देवताओं को भी शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शिव ने हवन कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर गोद में उठाकर और देवी सती के वियोग में व्याकुल संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। माता सती का पार्थिव शरीर लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपनी तीसरी आंख खोल तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी पर समय से पहले ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को पता था कि जब तक माता सती का पार्थिव शरीर भगवान शिव के पास रहेगा, तब तक भगवान शिव के वियोग व्याकुलता और मनोदशा को सुधारा नहीं जा सकता। भगवान शिव के तांडव को रोकने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर को उनसे अलग करना जरूरी था। भगवान शिव को अत्यंत व्याकुल देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 51 टुकड़ों में खंड खंड कर दिया। इस प्रकार जहाँ जहाँ माँ सती के शरीर के टुकड़े गिरे और उनके द्वारा धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहाँ वहाँ पर स्वयं भगवान महादेव शिव ने माँ शक्ति के अलग अलग शक्तिपीठों की स्थापना किया। इस तरह माता सती के कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में माता सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करने के बाद पुनः पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया। दोस्तों, अब हम आपको माता सती के उन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करवाते हैं। आपका जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप भी माता के चमत्कारों को मानते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ अवश्य लिखें।
पहला मां सती का शक्तिपीठ है। किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोर पर स्थित है। यहां माता सती का किरीट यानी कि मुकुट गिरा था। यहां माता शक्ति को विमला अथवा भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता है तथा भैरव यानी शिव जी का वह अवतार जो कि माता के इस रूप के साथ यहां पर विराजमान है वह संवंतर नाम से पूजे जाते हैं। नंबर दो पर है कात्यायनी शक्तिपीठ। मथुरा वृंदावन के भूतेश्वर में स्थित है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी किया गया है। देव ऋषि श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 22वें अध्याय में उल्लेख किया है। वृंदावन शक्तिपीठ यहां पर माता सती के केश पास यानी कि माता सती के बाल गिरे थे। यहां की शक्तिपीठ को देवी कात्यायनी के रूप में तथा शिव को भूतेश्वर नाम से पूजा जाता है। नंबर तीन पर है करवीर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ही स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति को महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव को क्रोधशीश के रूप में पूजा जाता है। यहाँ महालक्ष्मी का निज आवास माना गया है जो कि कोल्हापुर के महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर चार पर है श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है। यहाँ पर माता के दाहिने पैर की पायल गिरी थी। यहाँ की शक्ति को श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है। नंबर पाँच पर है विशालाक्षी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मीर घाट पर स्थित इस शक्तिपीठ को विशालाक्षी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणि रत्न गिरे थे। यहाँ की शक्ति को विशालाक्षी तथा भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। नंबर छह पर है गोदावरी तीर्थ शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कुब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है गोदावरी तट शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ में माता का वामगंड यानी कि बायां गाल गिरा था। यहां की शक्तिपीठ को विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा शिव भैरव दंड पाणी नाम से पूजे जाते हैं। नंबर सात पर है सुचिंद्रम शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उत्तरी सागर संगम पर स्थित है यह सुचिंद्रम शक्तिपीठ जहाँ माँ सती के मतांतर के पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति को नारायणी और शिव के संहार या संकुर के नाम से ही पूजा जाता है। नंबर आठ पर है पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ सती के अधोदंत यानी कि नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ शक्ति को वराही और शिव को महारुद्र के रूप में पूजा जाता है। नंबर नौ पर है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वालामुखी शक्तिपीठ जहां की मान्यता है कि यहां पर माता सती की जीवा यानी कि जीव गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सिद्धता अंबिका तथा शिव को उन्मत्त के रूप में पूजा जाता है। नंबर दस पर है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में सिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत शक्तिपीठ स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती के ऊर्ध्व ओष्ट यानी ऊपरी होठ गिरे थे। नंबर 11 पर है अठास शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के लापुर में ही स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का नीचे का होठ अर्ध होष्ट गिरा था। यहाँ की शक्ति को फुल्लारा तथा शिव को विश्वेश के रूप में पूजा जाता है। नंबर 12 पर है जनस्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जनस्थान शक्तिपीठ। मान्यता अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का चिबुक भाग गिरा था जहां देवी भ्रामरी तथा शिव वृक्तास के रूप में पूजे जाते हैं। नंबर 13 पर है कश्मीर शक्तिपीठ। यह अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के पहले गांव में स्थित है। इस शक्तिपीठ को कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ भी कहा जाता है जहां माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। यहां की शक्ति महामाया तथा शिव भैरव को कृष्णधेश्वर के नाम से पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ साथ पार्वती शक्तिपीठ का दर्शन भी होता है। नंबर 14 पर है नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित नंदीपुर शक्तिपीठ। मान्यता अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति को नंदिनी और शिव को नंदिकेश्वर के नाम से पूजा जाता है। यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 15 पर है श्रीशैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट है यह शक्तिपीठ। मान्यता अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की ग्रीवा का पतन हुआ था। यहाँ सती महालक्ष्मी तथा शिव संवार नंद अथवा ईश्वर नंद के नाम से ही जान जाते हैं।
नंबर 16 पर है नलहाटी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। मान्यता अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की उदर नली का पतन हुआ था। यहां सती कालिका तथा शिव भैरव को योगीश के रूप में जाना जाता है। नंबर 17 पर है मिथिला शक्तिपीठ। मिथिला शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतांतर है। तीन अलग अलग स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को मनाया गया है। मिथिला शक्तिपीठ तीन स्थानों पर माना जाता है। पहला उग्रतार मंदिर सहरसा बिहार, दूसरा जय मंगला देवी मंदिर समस्तीपुर बिहार, तीसरा वन दुर्गा मंदिर जनकपुर नेपाल। इस स्थान पर देवी सती के वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर के नाम से पूजे जाते हैं। नंबर 18 पर है रत्नावली शक्तिपीठ। रत्नावली शक्तिपीठ बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णा नगर मार्ग पर यह शक्तिपीठ स्थित है। जबकि बंगाल पंजिका के अनुसार यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ में माता का दक्षिणी स्कंद यानी कि दायां कंधा गिरा था। यहां के शक्ति कुमारी और भैरव शिव हैं। नंबर 19 पर है अंबाजी शक्तिपीठ। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के शिखर पर स्थित है। देवी अंबिका का एक भव्य मंदिर स्थापित है। इस स्थान पर देवी सती का उदर भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी चंद्रभागा तथा शिव विकृत तुंड है। नंबर 20 पर है जलंधर शक्तिपीठ। पंजाब के जलंधर में स्थित है माता का जलंधर शक्तिपीठ। मान्यता अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का वाम स्तन वक्ष गिरा था। यहाँ की शक्ति को देवी त्रिपुर मालिनी तथा भैरव को भीषण के रूप में पूजा जाता है। नंबर 21 पर है रामगिरी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर स्थित है। इस शक्तिपीठ को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ लोग मैहर मध्य प्रदेश के शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा मंदिर को मानते हैं। इस स्थान पर देवी सती का दायां वक्ष गिरा था। यहां की शक्ति सती शिवानी तथा शिवचंड है। नंबर 22 पर है वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ। झारखंड के गिरिडीह देवघर में स्थित है वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ, जहां मां सती का हृदय गिरा था। पद्म पुराण के अनुसार हृदय पीठ के समान महत्वपूर्ण शक्तिपीठ पूरे ब्रह्मांड में अन्य नहीं है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, जहां पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहां की शक्ति जय दुर्गा तथा शिव वैद्यनाथ है। नंबर 23 पर है वक्तेश्वर शक्तिपीठ। वक्तेश्वर शक्तिपीठ माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंटला में स्थित है, जहां माता सती का मन गिरा था। यहां की शक्ति सती महिषासुर मर्दिनी तथा शिव वक्रनाथ हैं। नंबर 24 पर है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तीन सागरों के संगम पर स्थित है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यहां की शक्ति सर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमिष या स्थाणु है। नंबर 25 पर है बहुला शक्तिपीठ। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। बहुला शक्तिपीठ जहां माता की वाम बाहु यानी कि बायां हाथ गिरा था। यहां की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरुक हैं। नंबर 26 पर है हरसिद्धि शक्तिपीठ। हरसिद्धि शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन सिप्रा के दोनों तट पर माँ उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जहां पर माता की कोहनी गिरी थी। यहां के शक्ति देवी मंगल चंडिका तथा भैरव मांगले कपिलामर के रूप में पूजे जाते हैं। नंबर 27 पर है मणि वेदिका शक्तिपीठ। मणि वेदिका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित है। मणि वेदिका शक्तिपीठ जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है, मान्यता अनुसार यहां पर माता की मणिबंध कलाइयां गिरी थी। यहां की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद है। नंबर 28 पर है प्रयाग शक्तिपीठ। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। मान्यता अनुसार यहां पर माता सती के हाथ की हंसता उंगली यानी कि हाथों की उंगलियां गिरी थी, लेकिन इस स्थान को लेकर कुछ मतभेद है। अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी इन तीनों स्थानों पर सती की उंगलियों को गिरा माना जाता है। यहां की शक्ति ललिता तथा भैरव भव है। नंबर 29 पर है विरजा शक्तिपीठ। विरजा शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर मतांतर है। कुछ विद्वान इसको जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में स्थित भैरव जगन्नाथ को पीठ मानते हैं, जहां मां सती की नाभि गिरी थी। यहां की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। नंबर 30 पर है कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांजीवरम में स्थित है। माना जाता है कि यहां पर माता का कंकाल गिरा था। यहां की शक्ति देव गर्भा तथा भैरव रुर है। नंबर 31 पर है काल माधव शक्तिपीठ। काल माधव शक्तिपीठ यहां माता का वाम नितंब गिरा था। यहां की शक्ति काली तथा शिव भैरव असितांग है। नंबर 32 पर है
स्वर्ण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक का नर्मदा मंदिर 108 शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दाहिना नितंब गिरा था। यहाँ की माता सती नर्मदा या सोनाक्षी और शिव भैरव भद्रसेन कहलाते हैं। नंबर 33 पर है कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ आसाम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ सती के योनि का भाग गिरा था। यह स्थान तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है तथा अन्य कई चमत्कारों के लिए जान जाता है। यहाँ माता सती को कामाख्या और भगवान शिव को उमानंद कहते हैं। नंबर 34 पर है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता की वाम जांघगिरी थी। यहाँ की शक्ति को जयंती तथा भैरव को करमदेश्वर के रूप में ही पूजा जाता है। नंबर 35 पर है मग्ध शक्तिपीठ। मग्ध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। पटनेश्वरी देवी मंदिर को ही मग्ध शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। यहाँ के सती सर्वानंदकारी तथा शिव व्योमकेश हैं। नंबर 36 पर है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सलवाड़ी गांव में तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। शक्तिपीठ जहां सती के वाम यानी बायां चरण गिरा था। यहां की शक्ति भ्रमरी तथा शिव ईश्वर है। नंबर 37 पर है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोर गांव में स्थित है, जहां माता का दक्षिण पद यानी कि दायां पैर गिरा था। यहां की शक्ति सती त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। नंबर 38 पर है विभास शक्तिपीठ। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मैदानपुर में त्रामलोक गांव में स्थित है, जहां पर माता का वाम टख यानी बायां टखना गिरा था। यहां की शक्ति कपालिनी भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद है। नंबर 39 पर है देवीकूप शक्तिपीठ। देवीकूप शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट सरोवर के पास स्थित है। देवीकूप शक्तिपीठ जिसे सावित्री शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की देवी सावित्री तथा भैरव साथणु के रूप में पूजनीय है। नंबर 40 पर है युगादा शक्तिपीठ। युगादा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में महाकुमार मंगलकोट थानांतर्गत श्री ग्राम में स्थित है। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। इस शक्तिपीठ की शक्ति देवी युगादा तथा भैरव शीर्ण कणक है। नंबर 41 पर है विराट अंबिका शक्तिपीठ। विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित है। विराट शक्तिपीठ जहां पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। यहां की शक्ति सती अंबिका और शिव भैरव अमृत है। नंबर 42 पर है कालीघाट शक्तिपीठ। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कालीघाट में माँ काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ कहलाता है। यहाँ पर मान्यता है कि माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़कर अन्य चार उंगलियां गिरी थीं। यह शक्तिपीठ हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ की शक्ति काली तथा शिव भैरव के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 43 पर है मानस शक्तिपीठ। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। मानस शक्तिपीठ जहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दक्षायणी तथा भैरव अमर है। नंबर 44 पर है लंका शक्तिपीठ। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है, जहाँ पर माता के नुपुर यानी के पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति सती इंद्राक्षी तथा शिव राक्षेश्वर है। मान्यता है कि रावण और भगवान श्री राम ने भी इस शक्तिपीठ की पूजा अर्चना की थी। नंबर 45 पर है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के पोखरा नामक स्थान पर गंडक नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। पौराणिक काल से ही इस गुहेश्वरी शक्तिपीठ को मुक्तिनाथ शक्तिपीठ भी कहते हैं। मान्यता अनुसार यह मान जाता है कि इस स्थान पर देवी सती के दोनों जानों घुटनों का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति सती को महामाया और शिव को कपाल कहा जाता है। नंबर 46 पर है गडंगी शक्तिपीठ। गडंगी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। मान्यता अनुसार इस स्थान पर देवी सती के दक्षिण गोपाल का पतन हुआ था। नेपाल में यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ की शक्ति सती गंडकी तथा शिव चक्रपाणी है। नंबर 47 पर है हिंगलाज शक्तिपीठ। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में माता हिंगलाज का यह मंदिर हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर के ऊपरी का भाग गिरा था। इस शक्तिपीठ की खास बात यह है कि इस्लामिक देश होने के बावजूद भी इस शक्तिपीठ की कई मान्यताएं हैं। यहाँ तक कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पाकिस्तान में माता सती का यह एकमात्र शक्तिशाली शक्तिपीठ है। यहाँ की शक्ति सती हिंगुला तथा शिव भीमलोचन है। नंबर 48 पर है सुगंधा शक्तिपीठ। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना के सुगंध नदी के तट पर स्थित है। उग्रतार देवी का शक्तिपीठ जहाँ पर मान्यता है कि माता सती की नासिका गिरी थी। यहाँ की शक्ति सुनंदा तथा शिव भैरव त्रिकंभ है।
नंबर 49 पर है। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर ग्राम में है। यहाँ सती के वाम तल्प यानी कि देवी शक्ति के बाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ की शक्ति को अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। नंबर 50 पर है चटल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चट गाँव में स्थित है। चटल भवानी जहाँ माता की दाहिनी भुजा यानी कि दायां हाथ गिरा था, यहाँ की शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर के रूप में विराजमान है। नंबर 51 पर है यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जसोर में है। माता यशोरेश्वरी का मंदिर यशोर शक्तिपीठ के नाम से जान जाता है, जहाँ पर माता की बाई हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी तथा शिव चंद्र के रूप में है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से यह सबसे अंतिम शक्तिपीठ है। कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ आदि शक्ति अवश्य लिखें।